अब आज टीजे के पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं किसी पिकनिक टूर पर, तो वो टीजे से कहते हैं कि तुम घर रहकर घर का ख्याल रखना, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी टीजे पर ट्रस्ट था कि हमारा बेटा समझदार है। उनके जाते ही वहाँ पर टीजे का बेस्ट फ्रेंड आता है और टीजे से पूछता है, दोस्त तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? वो उसे कहता है, आओ बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन टीजे खामोश ही रहता है, तो उसका दोस्त और बोलने लगता है कि चलो बताओ हैलोवीन के क्या प्लान्स हैं, हैलोवीन पर क्या पहनोगे? तो टीजे उससे कहता है, हैलोवीन मैं से बोर हो चुका हूँ। तो उसका दोस्त जबरदस्ती उसे अपने साथ बास्केटबॉल खिलाने लगता है। अब वो लोग खेल रहे होते हैं कि बॉल गलती से उसी ओल्ड मैन के घर गिर जाती है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। टीजे का दोस्त उससे कहता है, क्या तुम लेकर आ सकते हो बॉल? मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। तो टीजे भागकर उस लोन में जाता है और बॉल उठाने ही वाला होता है कि वो ओल्ड मैन अपने घर से बाहर आ जाता है। वो टीजे को उठा लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है। टीजे भी काफी डर जाता है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर एक बेबी सिटर आती है जो कि टीजे के पेरेंट्स ने भेजी होती है कि अगर टीजे को खाने की जरूरत हो या वो डर जाए तो इसका ख्याल रख सके। वो बेबी सिटर दिखने में बहुत अजीब लगती है। वो आते ही टीजे पर हुक्म चलाने लगती है और उससे कहती है, फौरन से अपने रूम में सोने चले जाओ। अब टीजे जब अपने रूम में जाकर सोता है तो उसे एक हॉरर ड्रीम आता है। वो काफी डर जाता है और तभी पास पड़ा हुआ फोन रिंग होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हुआ क्यों। तभी बेबी सिटर ऊपर आती है, वो अपने दोस्त के साथ होती है। टीजे काफी डरा हुआ होता है तो उनको बताने लगता है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मुझे उसी ओल्ड मैन के घर से कॉल आई है। तो बेबी सिटर उसे कहती है, छोटे बच्चे ये तुम्हारा वहम होगा। और वो दोनों मिलकर टीजे का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते। तो टीजे को ये बात अच्छी नहीं लगती कि इससे अच्छा था मैं अकेले रह लेता। वो फौरन से अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबी सिटर और उसका दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो वो लड़का अपनी दोस्त को बताता है, वैसे वाकई ये ओल्ड मैन है बहुत गुस्से वाला, इसकी उम्र भी इतनी ज्यादा हो गई है पर इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। पता है जब मैं भी छोटा था ना तो इसने मेरी काइट भी ले ली थी, मुझे भी बहुत डांटा करता था। सुनने में आया है इसका घर ही हॉन्टेड है, लोग इस घर को मॉन्स्टर हाउस भी इसीलिए कहते हैं। मुझे तो लगता है ये बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर है। वो बेबी सिटर कहती है, बस बस करो ना, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, बेहतर होगा तुम यहाँ से जाओ, मुझे और डरावनी बातें नहीं सुननी। तो वो लड़का घर से बाहर आ जाता है, उसके हाथ में जो बोतल होती है वो जानबूझकर उसी बूढ़े आदमी के लोन की तरफ फेंकता है। उसे कहता है, हाँ भाई बूढ़े अब क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा, तुम तो घर ही नहीं हो, लो करती है मैंने तुम्हारा लोन खराब। अभी उस लड़के को उसी घर की खिड़की में से अपनी काइट नजर आती है जो कि उसके बचपन में उस बूढ़े आदमी ने ले ली थी। वो बहुत खुश होता है, उसे अपने बचपन की काइट बहुत फैसिनेट करती है। तो वो उसे लेने अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी काइट को पकड़ता है कोई उसे अंदर खींच लेता है और फौरन से इस हॉन्टेड हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है। अब इस वक्त तक टीचर उसका बेस्ट फ्रेंड भी एक साथ होते हैं और प्लान करते हैं कि वो लोग इस हॉन्टेड हाउस पर स्पाई करेंगे। अब टीचर का दोस्त क्रॉल करता हुआ उस हॉन्टेड हाउस तक जाता है जहाँ पर उसे वो पोर्टल भी मिलती है जो कि उसी लड़के ने फेंकी थी। वो जाकर खामोशी से उस घर की बेल रिंग करता है, तभी फौरन से दरवाजा खुलता है और घर की लाइट्स ऑन हो जाती है। दरवाजे में से कोई जुबान जैसी चीज बाहर आती है जो कि टीचर के दोस्त को अपने अंदर लपेटने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली वो वहाँ से उतनी देर में भाग जाता है। अब टीचर उसका दोस्त दोबारा से उस घर पर नजर रखने लगते हैं। तभी उनके पास वो बेबी सिटर आती है, अपने दोस्त का पूछती है तो टीचर उसे बताता है कि शायद वो उसी घर के अंदर है। इतनी ही देर में उनके घर एक लड़की आती है जो कि हैलोवीन के लिए कैंडी सेल करने आई होती है, और अब वो जा रही होती है उसी ओल्ड मैन के घर में, जिसे टीचर और उसका दोस्त देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो जाती है और वो घर के पास पहुंच जाती है। वो घर हिलने लगता है, उस लड़की को भी अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो केयर टेकर आ जाती है और उसके आते ही घर ऐसे नॉर्मल हो जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब टीजे उसका बेस्ट फ्रेंड और ये लड़की एक साथ घर आते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी ये लोग विंडो से देखते हैं कि उस घर के पास एक डॉग है। उस घर से वही कारपेट जैसी जुबान बाहर आती है और डॉग को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। अब वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं कि ये मसला तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर पुलिस आती है तो उस घर में कोई अजीब चीज नोट नहीं करती। तो वो सब बच्चे पुलिस को बताते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा। तो पुलिस कहती है, बच्चों की बात पर यकीन कौन करता है भला, फौरन अपने घर जाओ। टीचर उस लॉन में जंप्स भी लगाता है लेकिन फिर भी वो घर नहीं हिलता। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब टीचर उसका दोस्त उस लड़की को एक आदमी के पास लेकर आते हैं जिसे वो लोग स्कल कहा करते थे।
वो सोचते हैं कि ये हमारी मदद जरूर करेगा। जब ये उसके पास जाते हैं तो एक गेम खेल रहा होता है। ये बच्चे इस आदमी को सारी बात बताते हैं कि ओल्ड मैन का वो घर काफी क्रीपी है। तो वो आदमी कहता है, हॉन्टेड घर, हाँ इसके बारे में तो मैंने भी सुना है, और पता है जो मैं गेम्स खेलता हूँ उनमें भी ऐसी स्टोरीज होती हैं, जैसे किसी घर पर किसी डीमन ने या सोल ने कब्जा कर लिया और वहीं पर रहना शुरू हो गई और फिर पूरे घर की शक्ल लेके एक मॉन्स्टर में बदल गई। तो कहीं यही तो सीन नहीं है? तो तीनों बच्चे काफी घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं, हम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हैं? तो स्कल कहता है, तुम्हें उसके दिल पर वार करना होगा और जहाँ से उसे लाइट मिलती है उस चीज को खत्म करना होगा, उस सोर्स को मिटाना होगा। अब वो तीनों घर आके प्लान करने लगते हैं, क्योंकि टीचर के बेस्ट फ्रेंड के फादर की फार्मेसी की शॉप थी, तो वो प्लान करते हैं कि वो वहाँ से नींद की मेडिसिन लेंगे और उसको एक डमी के साथ अटैच करके उस घर में छोड़ देंगे, जिसको खाकर वो मॉन्स्टर हाउस बेहोश होने लगेगा और फिर हम अंदर जाएंगे और सबका बदला लेंगे। टीचर का बेस्ट फ्रेंड काफी डर जाता है और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को जाना है तो चले जाना। लेकिन वो दोनों इसे समझाते हैं तो वो मान जाता है और अपने फादर की फार्मेसी से वो सब दवाइयाँ ले आता है। अब वो लोग अपने खिलौनों की मदद से एक डमी तैयार करते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की दूर से अपनी गुलेल से उस घर की डोरबेल रिंग करती है। घर का दरवाजा खुल जाता है और वही कारपेट जैसी जुबान बाहर आती है। इससे पहले कि वो अपने प्लान पर काम कर सकते, वहाँ पुलिस आ जाती है और उनका ऐसा करते हुए देख के नाराज होती है और उन्हें अपने साथ ही बिठा लेती है। पुलिस यहाँ से इनको लेकर जाने ही वाली होती है कि वहाँ एक ऑफिसर को घर में से आवाज आती है। तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहाँ जाकर देखते हैं, लेकिन तभी एक तरफ में जान आ जाती है और वो उनकी गन उठाकर फेंकता है। इसी के साथ वो उन पुलिस ऑफिसर्स को अपने अंदर ले लेता है, यानी वो मॉन्स्टर हाउस जिस पुलिस कार में बच्चे होते हैं उसको भी। तीनों बच्चे अंदर जाके काफी डर रहे होते हैं, लेकिन डीजे कहता है, डरना नहीं है, हमें इस घर ने क्या कहा था, इस घर के दिल पर अटैक करना है। तो चलो देखते हैं इस घर का दिल कहाँ है। ये लोग चलते चलते एक गहरी जगह पर गिर जाते हैं, जहाँ पर इनको बहुत सारे खिलौने नजर आते हैं। ये वही खिलौने थे जो कि उस ओल्ड मैन ने अपने लोन में से उठा कर रखे होते हैं। साथ ही इनको ओल्ड मैन की वाइफ की पिक्चर भी नजर आती है। यहाँ ही जगह पर लॉक लगा होता है। डीजे ने उसकी चाबी तब ली थी जब बूढ़े आदमी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, और वो चाबी उसके हाथ से गिर गई थी तो डीजे ने उसे उठा लिया था। डीजे उसका दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि ओल्ड मैन की बीवी की कब्र है। डीजे उस ग्रेव के ऊपर गिर जाता है जिससे वो टूट जाती है, और तभी पूरे घर में मूवमेंट होने लगती है। ये तीनों बच्चे जाकर खिलौनों में छुप जाते हैं, लेकिन वो घर इन तीनों में से डीजे के दोस्त और उस लड़की को पकड़ लेता है और अब वो होता है डीजे के पीछे। डीजे अपनी जान बचाता बचाता और भागता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो लड़की और उसका दोस्त पहले से ही होते हैं। घर उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डीजे भी वहां पर जाता है वो हाउस वॉमिटिंग कर देता है और वो तीनों बच्चे बाहर आकर गिरते हैं। यहाँ डीजे और उसके दोस्त में लड़ाई हो जाती है। डीजे का दोस्त उसे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तो कह रहा था कि इस घर के अंदर नहीं जाना। तो डीजे को ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से रोड की तरफ चलने लगता है, जहाँ पे उसकी टक्कर एक एम्बुलेंस से होती है, और ये वही एम्बुलेंस होती है जो कि इस ओल्ड मैन को इसके घर छोड़ने आई थी। वो बूढ़ा आदमी इनको गुस्से से देखता है, कहता है कि तुम लोग मेरे घर के अंदर क्या कर रहे थे। तो डीजे बूढ़े आदमी से कहता है, हम सब कुछ जान गए हैं, इस घर के अंदर आपकी बीवी की सोल है और आप भी इसीलिए रूड और गुस्से वाले हुए हैं कि आप अपनी बीवी को खो चुके थे, मैं आपको समझ सकता हूँ। यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि हाँ वाकई मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। मैं एक दिन सर्कस में गया तो वहाँ पर ये लड़की एक्ट कर रही थी, ये बहुत ज्यादा मोटी थी तो लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे और इस पर टमाटर फेंक रहे थे। मेरे दिल में इसके लिए सिंपैथी आई और मुझे ये उसी दिन से अच्छी लगना शुरू हो गई। फिर मैं इसे सर्कस से अपने घर ले आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे शादी करूंगा, इसको वो इज्जत दूंगा जो आज तक इसे नहीं मिल सकी। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके एक जमीन खरीदी और उस पर अपना घर बनाने लगा कि अपनी बीवी के साथ रहूंगा। लेकिन जब घर बन रहा था और मेरी बीवी भी वहीं पर थी तो कुछ बच्चों ने आकर उसे तंग करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी का पाँव स्लिप हुआ और वह घर के अंदर जो जगह थी उसमें गिरकर दब गई और मारे गई। मैंने अपनी बीवी को वहाँ से नहीं निकाला क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी, और ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे मैंने इसी के ऊपर अपना घर बना दिया। लेकिन घर बनाने के बाद उसकी सोल ने इस घर को पोजेस कर लिया। वो मुझे तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन यहाँ पर हर आने वाले बच्चे को तंग करती है जैसे उसको किया जाता था। अब हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं। मॉन्स्टर हाउस को यानी उस ओल्ड मैन की बीवी को काफी गुस्सा आया होता है, और इवन इस बार तो अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा करती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो वो ओल्ड मैन बच्चों से कहता है कि मेरी बीवी अब पागल हो चुकी है,
ये खुद के भी कंट्रोल में नहीं रही है। इवन कभी कभी मैं भी तंग आ जाता था, लेकिन मुझे अपनी बीवी से आज भी बहुत प्यार है, इसलिए मैं चुप था। तो वो डीजे से कहता है, ये लो ये एक्सप्लोसिव घर के अंदर गिरा दो। पहले तो डीजे ऐसा नहीं करता है, लेकिन ओल्ड मैन के कहने पर ऐसा कर देता है। पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। वो तीनों बच्चे ओल्ड मैन के साथ मिलकर बाकी बच्चों को टॉयज देते हैं, क्योंकि आज हेलोवीन नाइट होती है तो सब बहुत एंजॉय करते हैं। डीजे के साथ जो लड़की होती है उसकी भी मदर उसे वहाँ से ले जाती है, और इतनी देर में डीजे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। डीजे के दोस्त को उसकी बॉल भी वापस मिल जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।